सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है कार्तिक महीने का लास्ट डे, मतलब आज है पूर्णिमा, तो सब गंगा स्नान करने जाते हैं। तो आज हम वैसे ही, मेरा कुछ प्लान है, तो मम्मी और छोटी आंटी तो अभी फ़िलहाल जा चुके हैं, और अभी मैं लेट से उठा। मम्मी और छोटी आंटी ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले निकल गए मुझे छोड़ के। मैं मम्मी ने उठा दिया था, बट मैं फिर से सो गया। तो अभी मैं और राजन जाने वाले हैं बैरेज, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ होने वाला, बहुत भीड़ होती है गाइस वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान करने में। मैं आपको लेके चलता हूँ, अगर वहाँ पे माहौल मुझे ठीक लगा, मतलब नहाने लायक, ठंडा कम, तो मैं नहाऊँगा, और एल्स मैं नहीं नहाने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे वैसे भी सर्दी लगा हुआ है। तो चलते हैं वहाँ, जाके आपसे मिलते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं तो अपने टॉवल को ही गले में लपेट के आ गया। हम पहुँच चुके हैं, बाय द वे गाड़ी हमने यहीं खड़े कर दी, अब जाते हैं अंदर। तो राजन आया है आज, मेरा कैमरा वही संभालने वाला, मतलब फ़ोन वही शूट करेगा, वो भी नहा लेगा थोड़ा सा, बट पहले स्टार्टिंग वही करेगा। सो एक बार आप बैरेज में क्राउड देख सकते हो, बहुत लोगों की भीड़ आई है, और बैरेज के उस साइड से पानी आ रहा, मतलब उस तरफ जो मेन डैम बंधा हुआ है उस तरफ से पानी सर खोल दिया गया है। और यहाँ पे रेत पे तो कुछ वर्क किया गया है, शायद दो हाथ के बीच में कुछ रखा गया ऐसा कुछ। और यहाँ पे सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। सो हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं बीच के साइड, मतलब बीच तो नहीं है बट फिर भी, अब जाए थोड़ा कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद यहाँ भी डुबकी मारते हैं। रेडी है ना? चलो शूट करो, हम चले डुबकी मारने। और एक बार आप सीन देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, और कुछ लेडीज़ भी नहा रही है, इसलिए मैं कैमरा हर तरफ नहीं घुमा सकती, इसलिए मैं लास्ट की ओर आया हूँ। तो अभी तो हम आ चुके हैं, और कैमरा स्टार्ट है ना। तो अभी तो हम आ चुके हैं, डर लग रहा है, कितना गहरा है पानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और राजन कैमरा से मारा, थैंक यू भाई, चल हो जाए। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और अब बारी है राजन की, ले ले जल्दी ले जल्दी ले, उतना दूर मत जा भाई, मत जा उतना दूर, मत जा मत जा। मजा आया, मजा आ गया। और एक और बार ले ले, दो तीन बार। और लोग पूरा सनराइज को एंजॉय करते हुए, अरे भाई हमको भी ट्राई कर रहे थे, इधर 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 आ। हाँ, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब कुछ तो काम है कि पानी गहरा नहीं, तुम्हें गहरे पानी में जा भी नहीं रहा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट्स ले रहा। मजा आया, देखिए कम पानी में बहुत सारे लोग मजा ले रहे हैं। देखिए भैया को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं पानी में बह रहा हूँ, मैं पानी में बह रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो हम तो कैमरा बार बार, एक बार कभी कोई बंदा पानी में जा रहा है, फिर हम कैमरा पकड़ रहे हैं, ज्यादा दूर मत जा। तो इसे तो स्विमिंग आती है राजन को, मुझे नहीं आती। मेरा हाथ से ठंड से पूरा हाथ कांप रहा है। सारे ठंडा लग रहा है क्या? और डुगू है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। इतनी खुशी, इतनी खुशी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ठंडा के मारे मेरा हाथ कांपे जा रहा है, हाथ के ऊपर शरीर हिल रहा है एकदम। तो ठंड बहुत ज्यादा है गाइस, हवा भी बहुत चल रही है।
का भी मैं पानी के अंदर पुशअप्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक दो। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तो अभी तो हम गंगा स्नान करके निकल चुके हैं गाइस, बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है, मतलब थर थर हो रहा है। कैमरा मतलब हाथ मतलब फोन को पकड़ रहा हूँ मैं हाथ से, तो पूरा एंगल नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सो अभी हम तो निकल रहे हैं घर के लिए, घर जाते हैं सबसे पहले। सो कैसा एंजॉय किया पहली बार यहाँ पे तेरे को हम लेके आए? बहुत मजा ही लगा एंजॉय करने में। एक बार गाड़ियों का क्रेज देखो आप, मतलब। सो अभी तो हम घर आ चुके हैं और गाइस मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे दोनों कान सील हो चुके हैं पूरे। तो अभी मैं आग लगाने वाला हूँ, थोड़ा सा गर्मी लेते हैं शरीर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? थोड़ा कान वान को थोड़ा सा ही करते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे फिर बाहर निकलना है, इसीलिए मैं थोड़ा अपने आप को चार्जअप कर ले रहा हूँ। अभी जो थोड़ा कान और शरीर को गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और क्या हाल चाल है? कान ठंडा कर रहे, क्या हाल चलेगा, बहुत ठंडा लग रहा है। अरे बाबा! तो लिटरली गाइस कान बहुत ज़्यादा ही मेरे फ्रीज हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी वहाँ पे, और पानी भी जो ठंडा था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तो ये मिल गया और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। और ठंड लग रहा है कि नहीं? नहीं अब नहीं लग रहा है। तब पहले लग रहा था कि नहीं? पहले बहुत लग रहा था। सो अभी चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है मटर वाले छोले, नमकीन और कॉर्नफ्लेक्स, ये तीनों को मिक्स करके खाने मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है। सो अभी तो मम्मी लंच की तैयारी कर रही है। और मम्मी तुम लोग कितने बजे आई थी? हम तो चली गए थे दीदी को छोड़ने उसकी कोचिंग सेंटर। 12 बजे। अरे यार झूठ क्यों बोल रही है, अभी तो 11 ही बज रहा है। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तुम लोग को हम कितना ढूंढे, तुम लोग मिले ही नहीं। फोन नहीं था क्या? तीन बार फोन किए, तीन बार। कैसा लगा मेरा मजाक? और अगर हम कॉलॉग दिखा दिए फिर? हाँ देखेगा चश्मा पहन के, तुम परेशान कर लो। म्यूजिक। और रात का खाना मत बनाना, पता है? तो जाना नहीं पापा का फ्रेंड का पार्टी में 19। हाँ सब कोई, हम पापा मम्मी और हम पापा दीदी और तुम। कितना आता है तुमको? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है। बचपन का वाह 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 वाह, भूल नहीं जाना रे। कहाँ से सीखी तुम ये? मम्मा से। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस आप देख सकते हैं ये बचपन का प्यार गाना गा रही है, मतलब दो तीन दिन से गा रही थी बट मैंने अभी सुना। सीख गई तुम? पूरा पूरा सीख गई? पूरा नहीं, इतना सही सीखी। इतना सही सीखी है? ओके थैंक यू। सो एक बार आप पूर्णिमा का मून देखो, मतलब फुल मून है पूरा, आज पूर्णिमा है ना, कार्तिक पूर्णिमा, उसका मून कितना ज्यादा ही सही लग रहा है। सो अभी तो बन रहा है पीठा, दाल वाला पिट्ठा, मुझे बहुत पसंद है बट मैं डिनर घर पे नहीं करने वाला, मुझे और पापा को बाहर जाना है। तो एक पीस टेस्ट करना चाहिए, एक पीस मिलेगा? एक पीस दो ना, बहुत जोर का भूख लगा हुआ है, शाम से कुछ खाया भी नहीं है। सो अभी मैं और पापा तो पार्टी में जाने के लिए निकल चुके हैं और गाइस बहुत ज़्यादा ही ठंड है, रास्ते में टोपी हेलमेट कुछ भी काम नहीं कर रहा, हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो जाते हैं वहाँ पे वेन्यू में और वेन्यू में जाके आपसे मिलते हैं। फिलहाल हम तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। सो ये है मेरे पापा के फ्रेंड का नया फर्नीचर का शोरूम, इन्होंने जस्ट न्यूली ओपन किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ही सही है। और ये सेम सोफ़ा मेरे घर पे है, मतलब सेम नहीं, काइंड ऑफ ब्लैक कलर का। ये तो शायद झूला ही है, झूला ही, हाँ। और ये कॉफ़ी रखने वाला भी दिया हुआ है। पसंद आया आपको ये? हाँ पसंद तो है।
फिलहाल हम तो पार्टी से आ चुके हैं, डिनर हमने कर लिया, वहां पे ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया मैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडेड था और मेरा कैमरा निकालना शायद किसी को बुरा लग सकता था, इसलिए मैं शूट नहीं किया। तो अभी हम खा रहे हैं मिठाई क्योंकि रात में एक तो डिजर्ट होना चाहिए ना। सो ये है नेक्स्ट डे, कल आपने देखा हम पार्टी में गए थे, वहां से घर आ चुके हैं और आज हम आए हैं चंडी मंदिर प्रसाद खाने के लिए, है कि नहीं? तो प्रसाद में खिचड़ी चटनी और सब्जी, और अंकल आप एंजॉय कर रहे हैं ना खाना? नहीं, प्रसाद प्रसाद है और राजन भी है। तो खिचड़ी और चटनी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा ही मस्त लगता है हमें, आप बताइए आपको कैसा लगता है खिचड़ी और चटनी का कॉम्बिनेशन? बढ़िया। और यहाँ सब खिचड़ी खा रहे हैं, अंकल आंटी और दीदी भी। खिचड़ी कैसा लग रहा है? अरे प्रसाद है, अब कैसा लगेगा, सही लगता है। अच्छा, तो रुको जरा, सबर करो। और दीदी तो चाट चाट के खा रही होंगी, चाट चाट के। तो अभी तो हम घर आ चुके हैं, मतलब हम सब आ चुके हैं, खिचड़ी तो हमने खा ली, मतलब माँ का प्रसाद बहुत टेस्टी था। और चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ, मतलब कल ही एंड करने वाला था रात में, बट सोचा व्लॉग बहुत छोटा बना था, सोचा आज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ जितना हो सका। तो इसी के साथ का व्लॉग मैं आज करता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो हमारे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय। तो प्लीज सब सफर करा सारा कबर सबर कराए सारा सारा कबर।